हे बच्चा पार्टी, तो ये ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल। आपको पता है ना कि हमारा शरीर जो है वो हड्डियों का ढांचा है और एक अडल्ट में विस्क में 206 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए जानते हैं क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बेसिक से। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है जांघ की फीमर हड्डी। एक अगर हम बात करें अडल्ट की, तो एवरेज जो इसकी लेंथ होती है यानी कि सभी में अगर हम बात करें कि लंबाई जो एक एवरेज है वो होती है 18 इंच। और इसके साथ साथ सबसे मजबूत हड्डी भी जो होती है वो हमारी फीमर ही होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है हमारे कान की स्टेपिस हड्डी, जो कि हमारे कान के अंदर मिडल ईयर यानी कि मध्य कान में होती है। और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 0.1 इंच। और अभी तो बहुत सारी नई चीजें जाननी है, उसके लिए जुड़े रहे मेरे साथ।